नी के फ्री फॉर नी पेन। तो इसकी डिस्क्रिप्शन है सॉफ्टली विथ फिंगर्स टू फ्री नी कैप, यानी जो नी का कैप है उसको हमने फ्री करना है। तो किन किन लोगों को ये पॉइंट हम दे सकते हैं? देखिए, जिन लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो, किसकी? ऑस्टियोआर्थराइटिस, यानी जिनके घुटनों का गैप कम हो गया है, जिनको घुटने पे स्वेलिंग हो, इन्फ्लेमेशन हो, रेडनेस हो, ठीक है, जिनको बैक ऑफ नी में बहुत ज्यादा खिंचाव हो रहा हो, या फिर बैक ऑफ नी में बहुत स्टिफनेस हो, ऐसे लोग जिनको घुटना जो है चलते चलते लचक खा जाता है, ठीक है, उनको हम नी कैफ्री कर सकते हैं। और ऐसे लोगों के लिए नी कैफ्री जो है वो बहुत इफेक्टिव होता है। चलते चलते घुटनों में लचक आ जाना या झटका लगना, ठीक है, उनके लिए नी कैफ्री पॉइंट जो है वो बहुत जबरदस्त है। तो नी कैफ्री पॉइंट को बहुत ध्यान से पहले समझना, देखना, फिर कुछ पूछना या प्रैक्टिस करना, ठीक है। पहले ध्यान से देखो कि नी कैफ्री करना कैसे है। ये हमारा क्या है? पूरा घुटना, ठीक है। और बेसिकली हमने जो नी कैप है इसके ऊपर जो कटोरी है, जो कैप है, उसको हमने क्या करना है? फ्री करना है। देखिए, सबसे पहले 20 टाइम्स दोनों तरफ अपने दोनों हाथों से क्या करना है? रब करना है। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ठीक है जी, अपोजिट साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20, ठीक है। ये 20 टाइम्स करने के बाद में अपने थंब से रबिंग करनी है नी कैप की। देखिए, नी कैप के साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 20, ठीक है, अपोजिट साइड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 19 20, ठीक है जी। इतना करने के बाद अब हम नी कैप को फ्री करेंगे और टोटली फ्री करना है। देखिए, यस, चारों तरफ अपने थंब से प्रेस करना है जिससे कि नी कैप जो है वो फ्री हो जाए। ये आपने 2-3 राउंड में ऐसे करने के बाद में अपने तीनों उंगलियां मिला के, जैसे हम क्लॉकवाइज करते हैं वैसे ही तीनों उंगलियां मिला के क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमें नी कैप के चारों तरफ घूमना है। और कितने राउंड बनाने हैं? 3, ठीक है जी। तीन राउंड हमारे क्लॉकवाइज के कंप्लीट। अभी हमने एंटी क्लॉकवाइज के 3 राउंड बिल्कुल सेम। ये 3 राउंड हमारे एंटी क्लॉकवाइज के कंप्लीट। अब हमने क्या करना है? देखिए, हमारा नी कैप जो है वो फ्री हो चुका है, हमने क्लॉकवाइज कर दिया उस पे, ठीक है। अब हमने इसको रिलैक्स करना है और रिलैक्स करने के लिए अपनी दोनों हथेलियों से नी कैप के दोनों साइड में रख के नीचे की तरफ इस तरीके से पुश करना है या दबाना है, रबिंग करनी है, ठीक है। जो हमने ब्लड सर्कुलेशन को नॉर्मल किया था या बीच में रोका था, ठीक है, उसको इस तरीके से प्रेस करके दोनों साइड में डाइवर्ट कर देना है और ये आपका नी कैप फ्री पॉइंट जो है वो कंप्लीट। किन किन लोगों को देना है? जिनको घुटने में दर्द है, जिनको ऑस्टियोआर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, घुटने पे इंफ्लेमेशन है, स्वेलिंग है, रेडनेस है, बैक ऑफ नी स्टिफ रहता है, ऐसे लोगों के लिए ये पॉइंट जो है ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है।